आधा अपना गाड़ी लोड हो गया हुआ है, तो मुंशी फ़ोन किए हैं कि स्टीम लोड नहीं होगा, आरओएम लोड होगा, इसलिए रुकवा दिया है मुंशी। देखिए अभी हम लोग का फाइनली खाना निकल चुका है, चाचा का, छोटू का, लड्डू का और मेरा भी। देखिए अब शुरू करते हैं खाना खाने का। जय हिंद दोस्तों, कैसे, उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपके दुआ से हम भी ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह का 8 बज गया है, अभी हमारा गाड़ी लोडिंग में लगा हुआ है और क्या चीज लोड हो रहा है दिखा रहा है, देख सकते हैं कोयला है, तो अपना गाड़ी में कोयला लोड हो रहा है, देख सकते हैं इधर, और देखिए लगभग 4-5 टन के लगभग लोड भी हो गया है। इधर देखिए भाई लोग लोडिंग कर रहे हैं। दोस्तों अपना गाड़ी अभी लोड हो रहा है और इधर देखिए छोटू अपना नाश्ता करने का व्यवस्था कर रहा है, और देखिए क्या चीज इसमें चूरा है, चूरा का आज नाश्ता होगा, चूरा और मीठा है, देखिए चूरा मीठा का नाश्ता आज होगा। तो ठीक है दोस्तों, और हम तो फुला करके खाएंगे, इसे नहीं खाएंगे, चूरा को पानी में फुला देंगे और तब मीठा के साथ मिला करके खाएंगे। देखिए दोस्तों अभी हम लोग का नाश्ता हो रहा है, चूरा और मीठा, देखिए छोटू भी कर रहा है नाश्ता, ये फुलाया नहीं है पानी में, हम फुला लिया, तो ठीक है नाश्ता करते हैं। देखिए दोस्तों दिखा रहा है कि अपना गाड़ी कितना लोड हो गया हुआ है, इधर देख सकते हैं आधा अपना गाड़ी लोड हो गया हुआ है, तो मुंशी फ़ोन किए हैं कि स्टीम लोड नहीं होगा, आरओएम लोड होगा, इसलिए रुकवा दिया है मुंशी, और आधा अपना गाड़ी हो गया हुआ है। उधर डाला पटरा भी लगा दिए है, देख सकते हैं डाला पटरा लगा दिए हैं और यहाँ पे खड़ा कर दिया, मुंशी बोला कि मशीन आएगा तो मशीन से अब लोड होगा, तो ठीक है दोस्तों अब आरओएम लोड होगा मशीन से, देख सकते हैं अपना गाड़ी अब मशीन से यही माल लोड होगा, और देख सकते हैं यही आरओएम है और यही माल लोड होगा। दोस्तों अभी आ गए हैं, अपना गाड़ी लोडिंग हो गया है, और देखिए आ गए हैं अभी कांटा के पास हैं, सामने कांटा है और अभी पेपर मिला नहीं है हमको, पेपर अभी मुंशी जी लेकर के आ रहे हैं, उसके बाद मेरा गाड़ी कांटा पे जाएगा। और देखिए इधर छोटू भी अब मुंशी जी को जा रहे हैं बोलने के लिए कि पेपर भिजवाइए थोड़ा जल्दी, कांटा भी कराना है। और देखिए सामने चाचा का गाड़ी वहीं पर पार्किंग में लगा हुआ है, चाचा भी आ गए हैं आज लोड करने के लिए, तो ठीक है इंतज़ार करते हैं पेपर का, कितना देर में आते हैं पेपर लेकर के मुंशी जी। और दोस्तों अभी चलते हैं चाचा के गाड़ी के पास, चाचा कुछ बना रहे हैं खाना में, और देखते हैं क्या बना रहे हैं, और देखिए अभी क्या चीज़ बना रहे हैं चाचा, मटन बना रहे हैं मटन बना रहे हैं। देखिए दोस्तों अभी हम लोग कांटा का लाइन में लगे हुए हैं, इधर छोटू इधर चक्कों को पिजा रहा है, और देखिए ये सब डंपर सब है कांटा का लाइन में है, सामने कांटा है, अभी 3-4 गाड़ी के पीछे है लगभग, तो ठीक है थोड़ा देर में अपना कांटा भी हो जाएगा, फिर चाचा की गाड़ी में खाना भी बन रहा है, तो चलते हैं मटन बना रहे हैं चाचा आज तो ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों अभी हमारा गाड़ी लोड होकर के रेडी हो गया, और छोटू रस्सी उस्सी सब बांध दिया, और चलते हैं अब खाना खाने, छोटू चल रहा है अब पैर हाथ धोने के लिए, देखिए वो पैर हाथ धोने के लिए जा रहा है, तो ठीक है चलते हैं चाचा के गाड़ी में। ये आया है देखिए, ये लड्डू है इधर, इसका नाम लड्डू है, ये आया है हमको बुलाने कि चाचा चलिए खाना उना खा लीजिए, तो ठीक है चलते हैं दोस्तों। देख सकते हैं ये लड्डू अपना खाना निकाल रहा है, और देखिए चावल निकाल रहा है, हाँ लड्डू, हाँ चावल निकाल रहा है लड्डू, उधर छोटू है, इधर चाचा भी हैं, देखिए और थाली में निकल चुका है, देखिए अब मटन निकालने का शुरू कर दिया है लड्डू ना छोटू, बस बस आज छोटू नहीं निकाल रहा है, आज लड्डू निकाल रहा है। देखिए अभी हम लोग का फाइनली खाना निकल चुका है, चाचा का, छोटू का, लड्डू का और मेरा भी, देखिए अब शुरू करते हैं खाना खाने का। बहुत बना हुआ है, बढ़िया बना हुआ है, चाचा बनाया ना, बहुत बढ़िया बनाया, देखिए उधर लड्डू का, छोटू का, इधर चाचा का, तो ठीक है अब हम लोग खाना खाते हैं। दोस्तों अभी हम लोग खाना उना भी खा करके आ गए, और पेपर भी मिल गया, तो चलते हैं आउट कराने, छोटू को अब दे रहे हैं
आउट कराने के लिए। छोटू जा करके आउट करा लो सामने चेक पोस्ट में। तो ठीक है, छोटू जा रहा है आउट कराता है, इसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। फिर आगे में फिर और पेपर मिलेगा, GST और टैक्स इनवाइस बाहर में मिलेगा। तो ठीक है, यहाँ से निकलते हैं आउट करा करके। दोस्तों अभी पहुँच चुके हैं तेतुलमारी, और देख सकते हैं ये है तेतुलमारी चौक। और इधर देखिए छोटू अपना पौधान उदान झाड़ रहा है, क्योंकि देख सकते हैं कोयला का पूरा गर्दा एकदम हो गया है। तो ठीक है, छोटू झाड़ लेता है पौधान उदान ना छोटू। हाँ। ठीक है, झाड़ लो पौधान, उसके बाद आ जाओ चाय पानी पियो, और बाल उल कटवाएगा, दाढ़ी बनवाएगा। तो ठीक है आ जाओ। दोस्तों अभी पेपर मिल गया है और मोबाइल में मिला है, मोबाइल में व्हाट्सअप कर दिया है, और ये कोयलरी का पेपर है। तो निकलते हैं अभी श्यामडी, उधर डीजल उजल फिर लेना पड़ेगा। छोटू निकला जाए। हाँ, निकला जाए। ठीक है दोस्तों, अब निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं श्यामडी में, और छोटू भी है, बोल रहा है थोड़ा दाढ़ी बनवाने जाएंगे, वहाँ पर बनवाया नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, देखिए शिव प्लाजा अपना पहुँच गए हैं, और चलते हैं अभी दाढ़ी बनवाने के लिए हम छोटू। तो ठीक है चला जाए। दोस्तों निकल गए हैं श्यामडी से, अब देखिए नहा धोवा लिए है, और बाल उल कटवाना था इसलिए थोड़ा देर हो गया है, अभी 8:30 बज रहा है रात का। तो यहाँ से निकल गए हैं, अब चलते हैं डुमरा पेट्रोल पंप पर, और वहाँ पर डीजल उजल भराएंगे, और फिर वहाँ से निकलते रहेंगे। कल दिन में लगभग हमको उधर पहुंचना है बिहार तरफ। तो ठीक है दोस्तों, और अपना माल लोड हुआ है बिहिया का, बिहिया आरा जिला, और लोडिंग हुआ है गोनूडी कोयलरी से। तो ठीक है दोस्तों, निकलते हैं यहाँ से पेट्रोल पंप पर। दोस्तों अभी आ गए हैं पेट्रोल पंप पर, और देख सकते हैं, और अभी आ गए हैं डीजल भराने के लिए। तो देखिए डीजल जा रहा है अपने टंकी में, और देखिए इधर मीटर भी शुरू हो गया, 10 लीटर पार हो गया है, 12 लीटर पहुँच गया है। तो ठीक है, अब यहाँ पर डीजल भराया जा रहा है। देखिए दोस्तों अभी आ गया है ऊपर में, देखिए मुंह पर आ गया है डीजल। तो अभी कितना चला गया है दिखाते हैं, 301 लीटर, अभी कुछ और लेगा। देखिए अभी हमारा फुल हो गया 313 लीटर में, और देखिए इधर पूरा फुल हो गया है। तो ठीक है दोस्तों, अब इसको लगाया जा रहा है। दोस्तों अभी पहुंच गए हैं तोपचांची, और यहां पर चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर निकला जाएगा। देखिए अपना चाय निकल रहा है, देखिए भाई चाय निकाल रहा है। अरे एक ही को में अभी रखो, छोटू अभी आ रहा है तब देना उसको, नहीं तो ठंडा हो जाएगा ना फिर। तो ठीक है चाय पीते हैं। देखिए अपना छोटू भी आ गया और चाय ले लिया, छोटू भी अपना चाय पी रहा है। तो दोस्तों अब निकलते हैं यहाँ से, और देखिए सामने गाड़ी है, अब चलते हैं यहाँ से घंघरी तरफ, कहीं खाना पीना खाया जाएगा। अभी रात का तो ऐसे 10 बज गया है, लेकिन यहाँ से निकलते हैं, क्या तो ठंडा ठंडा समय में थोड़ा टायर का रेस्ट मिल जाता है, और सुबह चलने पर है कि थोड़ा गर्म हो जाता है टायर ना, तो 20 किलोमीटर पर ठंडाना पड़ता है। तो ठीक है दोस्तों निकलते हैं। अभी दोस्तों डुमरी टोल टैक्स पर पहुँचे हुए हैं, और देख सकते हैं अपना गाड़ी है, और छोटू गया है पेपर चेक कराने के लिए, यहाँ पर पुलिस वाले पेपर चेक कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, पेपर चेक करा के आता है छोटू, फिर यहाँ से निकलेंगे। पेपर चेक करने के लिए ही यहाँ पे गाड़ी रुका हुआ है, और भी सब, और मेरा भी। तो ठीक है दोस्तों, दोस्तों अभी घंघरी पहुँच चुके हैं, और देखिए सामने होटल है, छोटू अपना गया है खाना खाने के लिए, और अपना भी खाना बोल दिए हैं लगाने के लिए, छोटू बोल दिया है। और यहीं पर सामने में पंकज भैया के घर है, पंकज मधेसिया ब्लॉग और रोहित पंकज ब्लॉग्स। तो ठीक है दोस्तों चलते हैं खाना खाने के लिए, मिस्त्री जी को खाना बोल दिए हैं। मिस्त्री जी हमारा खाना लगा दिए हैं, तो लगाइए लगाइए जल्दी लगाइए। तो ठीक है दोस्तों चलते हैं खाना खाने के लिए, बैठते हैं, लगाइए भैया थोड़ा जल्दी।
समय ज्यादा हो गया है क्योंकि अभी टाइम हो गया है। कितना हो रहा है छोटू समय? 1 बज रहा है ना, तो रात का 1 बज गया है दोस्तों। चलिए खाना उना खा करके 2 घंटे आराम करेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे सुबह सुबह, यहाँ से निकलेंगे लगभग 4-4:30 बजे। दोस्तों हम लोग खाना उना खा कर आ गए हुए हैं और हम लोग अब आराम करते हैं, फिर अब सुबह में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। दोस्तों अभी चौपारण घाटी में इन कर चुके हैं और देख सकते हैं सामने चौपारण घाटी का कुछ इस तरह नज़ारा, और आगे हथिया बाबा मंदिर पड़ेगा सामने, थोड़ा सा आगे में पड़ेगा हथिया बाबा मंदिर, थोड़ा सा आगे है, ज़्यादा दूरी नहीं है। बस देखिए सामने हथिया बाबा मंदिर है। जय हो हथिया बाबा, जय बाबा। दोस्तों अभी झारखंड बॉर्डर पहुंचने वाले हैं, सामने झारखंड बॉर्डर है, कुछ ही दूर है, बस 100 मीटर के लगभग में है झारखंड बॉर्डर। देख सकते दोस्तों यही झारखंड बॉर्डर है, ये देखिए इधर गाड़ी सब खड़ा है, कोयला गाड़ी सब, जो 2 नंबर सब कोयला है वो सब भी इसमें पकड़ाया हुआ है, और अभी झारखंड बॉर्डर पार कर गया। कुछ दूर आगे जाएंगे तो झारखंड का सीमा ही पार कर जाएंगे, आगे पुल पड़ेगा उसको जैसे ही पार करेंगे झारखंड का सीमा पार कर जाएंगे। देखिए दोस्तों यही पुल है और इसको जैसे ही पार करेंगे बिहार में इन हो जाएंगे। देखिए अभी झारखंड में है, अब बिहार में इन होने वाले हैं। देखिए अब बिहार में इन हो चुके हैं, तो ठीक है दोस्तों अब निकलते हैं इसी में, धीरे धीरे अब दो भी बॉर्डर आएगा आगे में। दोस्तों वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।